सर ये रॉयल स्टेडियम है तो इसमें बेसिकली क्या है, शुरुआत में तीन पैनल है, तो एक कंसल्ट डॉक्टर का पैनल है, एक हेल्थ चेकअप का पैनल है, हेल्थ हिस्ट्री का पैनल है। तो हेल्थ चेकअप का पैनल में जब हम जाते हैं सर, तो इसमें बेसिक हेल्थ चेकअप में ये सारा चीज़ आता है, और डायबिटीज चेकअप में ये सारा ब्लड ग्लूकोज ब्लड प्रेशर ये सब आता है, हार्ट चेकअप में ये इतना आता है, फिर ब्लड चेकअप में ये इतना सारा आता है, स्किन चेकअप का भी है, ईयर चेकअप का भी है, आई चेकअप का बेसिक है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि आई चेकअप का एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। लेकिन लोग सर के गाइडेंस में हम इसमें एक नया इंक्लूड कर रहे हैं कि आई चेकअप का भी प्रॉब्लम नहीं है, और यूरिन चेकअप का भी ये सारा ऑप्शन है इसमें, तो इतना सारा स्ट्रिप बेस्ड यूरिन चेकअप हो जाता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ कह सकते हैं हम लोग, जैसे ये करते हैं ना पैनल, लॉग आउट करते हैं जो पहले था, अभी इसका देखिए रजिस्ट्रेशन पैनल है कि जैसे कोई भी मतलब जैसा है ना, किसी भी पेशेंट का रजिस्टर करेंगे, कोई आप अपना कोई मोबाइल नंबर बता दीजिए, 9402 आपका रजिस्टर्ड है ना, मैं रजिस्ट्रेशन सर को दिखाना चाह रहा था। ये देखिए सर, इसमें क्या है, इसमें तीन पैनल है, एक कंसल्ट का डॉक्टर, हेल्थ चेकअप और हेल्थ हिस्ट्री। तो हेल्थ चेकअप वाले में आप जाएंगे तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और इसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन पैनल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप मतलब इसमें जाएंगे, कंसल्ट और डॉक्टर में जाएंगे, तो आपको जो है तीन पैनल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ये नंबर डालेंगे तो समझे, तो ये नंबर डालेंगे तो ये आपका एक जो पैनल है ये आपका चलेगा, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, तो ये जो है ये आपका ब्लड हेमोग्लोबिन का मशीन है, ये आपका जो है ब्लड ग्लूकोज का मशीन है, ठीक है। इसमें देखिए ये एक स्टेथोस्कोप है, ये एक थर्मोस्कोप है, ठीक है, एक ऑटोस्कोप है, तो इससे क्या आपका ईयर चेकअप, आई चेकअप, समझ गया ना, नोज चेकअप, ये सारा चेकअप जो है वो इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। और पीछे आपका एक लिपिड प्रोफाइल भी है, और ये पीछे से प्रिंट निकल जाता है, तो ये जो है इसमें आपका एक बॉडी स्कैन हो जाता है, जो उनका डेमो ले रहे थे ना वो आपने देखा। तो एक मशीन में इंटीग्रेटेड जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है ना, तो वो उसका एक इंटीग्रेशन है इसमें, तो बीपी, ऑक्सीमीटर, सब चीज में लगा हुआ है, ये ऊपर में हाइट सेंसर है, तो ये सब आपको यहाँ से टेली मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, थ्रिम्स से कनेक्टेड है, तो थ्रिम्स से ये मशीन आपका कनेक्ट हो जाएगा, और फिर वहाँ से आप क्या करेंगे कि इसको मतलब कनेक्ट करके आप ये कर लेंगे। तो सर अरुणाचल में तो ये सब की थे, अभी तक 46 हॉस्पिटल तो इतने मतलब क्या स्पेशल बेनिफिट्स है सर इसका? स्पेशल बेनिफिट ये है सर कि ये टेलीमेडिसिन है ना, इसमें तो अभी तक क्या है, आप किस मशीन के माध्यम से ना थ्रिम्स से कनेक्टेड हो जाएंगे, तो थ्रिम्स से जब आप कनेक्टेड हो जाएंगे तो थ्रिम्स का डॉक्टर भी इसके माध्यम से जो इसमें चेकअप हुआ है, जो रिपोर्ट है, वो थ्रिम्स के डॉक्टर भी आपको यहाँ से देख सकेंगे पेशेंट को, मतलब जो मेडिकल से जो आप रेफर किया उसका जो आपका स्लिप है वो दिखाना नहीं पड़ेगा, वो दिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और कुछ सर खास? और कुछ खास बस यही है कि ये इंडिजिनस है, मेड इन इंडिया है, इंडिया वालों ने बनाया है इसको, तो इसमें कोई भी मतलब बाहर का सामान नहीं लगा हुआ है, तो और वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, और पहली बार इंडिया में ये लॉन्च हुआ है, तो CHC PHC सब अरुणाचल प्रदेश में लग रहा है। तो आप ईटानगर में रहते हैं, तो यहाँ पर CHC जुमला में इसको लगाने की आपको मतलब आपके मन में विचार कैसे? नहीं, वो तो डिपार्टमेंट वालों ने लगाया, वो उन्होंने ही जो नोडल ऑफिसर डॉक्टर गोमी बसर, उन्होंने सेलेक्ट किया था इसको कि हमको सारा CHC PHC में लगाना है, तो यहाँ पर जो हमारे MLA साहब है, तो MLA साहब ने भी डिमांड किया था एक मशीन हमको भी चाहिए, तो फिर यहाँ पे ये मशीन एक दिया गया। सर मेरे ख्याल से आप पहली बार जुमला आए हैं?
लुमला पहली बार आया। काफी छोटी सी जगह है, काफी सुंदर वादियां है, तो उसमें आपने क्या कभी उम्मीद की थी कि ऐसे ही बड़ी अस्पताल होगी? उम्मीद नहीं किया था इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा। ये तो डेवलपमेंट दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि चाइना बॉर्डर पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है। और मैं तो सारा इक्विपमेंट भी देखा हूँ हॉस्पिटल में, लगभग सारे इक्विपमेंट अच्छा है। देश हमारा आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और क्या चाहिए। और क्या आपको क्या लगता है कि और क्या इस मतलब अस्पताल में और किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या चीज आप इसमें लगा रहते हैं? अभी तक तो मैंने इतना स्टडी नहीं किया है सर, लेकिन मैं तो बस इधर ही आया हूँ। मुझे तो अभी तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, मगर इतना बड़ा हॉस्पिटल होना एक CHC में भी, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी नहीं है, तब भी बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। बात करने की बहुत अच्छी, बातें रहेंगी और हमारे जो है यहाँ के नागरिकों को आप प्यार बांटते रहेंगे। थैंक यू।